हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फूड फ्यूजन विद इनाया। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच की रेसिपी। बहुत सिंपल और बहुत अमेजिंग सैंडविच की रेसिपी है ये। ये बहुत इजीली बन जाता है और एक बार आप ट्राई करके देखिए, आप इसे बार बार बना के खाना पसंद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे मज़ेदार मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच की रेसिपी को। मुंबई मसाला टोस्ट सैंडविच बनाने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ वेजिटेबल्स ले लेंगे। यहाँ पे मैं ऑनियन को रिंग्स में कट करके ले रही हूँ और यहाँ पे मैंने एक टमाटर को भी राउंड राउंड कट करके ले लिया है। और यहाँ पे मैंने एक खीरा लिया है, उसे भी मैंने राउंड कट कर लिया है। और एक आलू को बॉईल करके उसे भी हम राउंड में कट करके ले लेंगे। और अब उसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं एक टीस्पून चाट मसाला और एक टीस्पून यहाँ पे मैं ब्लैक सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। इससे टेस्ट बहुत अच्छा लगता है और बॉम्बे सैंडविच में यही जाता है, तो आप इसको अच्छे से मिला लीजिए। बॉम्बे सैंडविच में मसाले बहुत माइल्ड होते हैं, बहुत कम होते हैं, पर टेस्ट बहुत अच्छा होता है। आप लोग एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इन सब मसालों को हम हमारे आलू और जो भी सब्जियाँ हैं उसमें अच्छे से कोट कर लेंगे। आप यहाँ पर चाहे तो शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब इसे एक साइड में रख लीजिए। और अब यहाँ पे मैं एक ब्रेड ले रही हूँ और उसके ऊपर मैं ग्रीन चटनी लगा रही हूँ। ये बहुत स्पाइसी होती है और इसकी रेसिपी आप मेरे यूट्यूब चैनल पे वॉच कर सकते हैं। और इसमें इसके ऊपर अब हम हमारे वेजिटेबल्स को अरेंज कर लेंगे। सबसे पहले मैं रख रही हूँ टमाटो, फिर मैंने रखा है खीरा जिसके ऊपर मैंने मसाले लगाए हुए हैं। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा मसाले देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने इसे अच्छे से मसालों में कोट किया है। अब मैंने लगा दिया है ऑनियन, उसके बाद मैंने बॉयल पोटैटो लगा दिया है। देखिए मैं किस तरह से अरेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे अब मैं जो दूसरे ब्रेड के स्लाइस है इसमें हम फिर से ग्रीन चटनी लगाएंगे। यहाँ बॉम्बे सैंडविच में टमाटो केचप का यूज़ नहीं होता है। अगर आप टमाटो केचप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे दूँगी चीज़, ये पूरी तरह से ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा चीज़ डाल रही हूँ। और अब दूसरे ब्रेड की स्लाइस से इसे कवर कर लूँगी अच्छे से और अच्छे से इसे हम प्रेस कर देंगे ताकि अच्छे से मिल जाए। और अब हम चलते हैं इसके ऊपर बटर लगाने की तरफ। क्योंकि हमें इसे टोस्ट करना है, इसे अच्छे से बटर से हम कोट कर लेंगे। देखिए इस तरह से, बटर लगाने में बिल्कुल कंजूसी नहीं कीजिए। और एक पैन को हम मीडियम टू लो फ्लेम पे रखेंगे और उस पर हम हमारी ब्रेड की स्लाइस को धीरे से अरेंज करके रख देंगे। देखिए इस तरह से। और यहाँ पर मैं फिर बटर लगा रही हूँ और इसे अलट पलट के हम टोस्ट कर लेंगे जब तक कि इसके ऊपर गोल्डन क्रस्ट नहीं हो जाता है और ये थोड़ा सा क्रंची नहीं हो जाता है तब तक के। और गैस का फ्लेम मीडियम टू लो रखिए, हाई रखेंगे तो वो जल जाएगा पर अच्छे से टोस्ट नहीं होगा। देखिए कितने अच्छे से कलर आ गया है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और यहाँ पर मैंने सैंडविच ब्रेड लिया है, ये साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं, आप एक नॉर्मल ब्रेड से भी इसे बना सकते हैं। और देखिए हमारा बॉम्बे सैंडविच रेडी है। बहुत टेस्टी, बहुत डिलीशियस बनता है, बहुत क्रंची बना है। और अब हम इसे कट कर लेंगे। मैं यहाँ पे चार भागों में इसे कट कर रही हूँ। आप लोग देखिए इस तरह से मैंने इसे कट किया है क्योंकि ये इसी तरह से कट करके मिलता है। और इसके ऊपर मैं डाल दूँगी सेव या जिसे हम भुजिया कहते हैं, और कुछ कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। और देखिए हमारा बॉम्बे सैंडविच रेडी है सर्व करने के लिए। आप देख के ही समझ सकते हैं कि हमारा सैंडविच कितना टेस्टी, कितना डिलीशियस बना है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए घर पे, सब बच्चों से लेके बड़ों तक सबको पसंद आएगा और टिफ़िन में सर्व करने के लिए बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आप ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। और अगर आपको मेरा वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।